जनपद जालौन के कोंच में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया गया। भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा, विधायक मूलचंद्र निरंजन, एवं उप जिला अधिकारी मोइनुल इस्लाम ने सरकारी खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कोई बड़ी खामी नजर नहीं आई। सांसद भानु प्रताप वर्मा ने बताया कि यह निरीक्षण शासकीय कार्यों की निगरानी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई समस्या न आए। इसी दौरान भाजपा विधायक मूलचंद्र निरंजन ने बताया कि उनके द्वारा जो केंद्रों के निरीक्षण किए गए हैं, यहां से कुछ किसानों की छोटी मोटी शिकायतें मिली थी, जिनका समाधान उप जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मौके पर करवा दिया गया है और गेहूं खरीद केंद्र प्रभारियों को कड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए। मैं समझता हूं कि सभी केंद्रों पर हम लोग गए, सभी पर खरीद चल रही है। एक आध जगह लेबर कम होने के कारण से अकस्मात थोड़ी बहुत विलम्ब अवश्य हो रहा है, लेकिन खरीद सभी सेंटर पर चल रही है। अच्छा, मंडी जो एग्रो केंद्र पर शिकायत आई है कि इस पर 30 रुपए लिए जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? हाँ, एक किसान द्वारा ऐसी शिकायत आई गई है, लेकिन केंद्र प्रभारी और उनके द्वारा कहा गया है कि नहीं, मैं 10 रुपए ले रहा हूँ, आप सबके सामने भी बताया उन्होंने। और ऐसी कोई बात है तो हम लोगों ने, अब जिलाधिकारी जी साथ में हैं, उनसे हम लोग कहेंगे कि इसकी जांच करें और जो निर्धारित है उसी के हिसाब से पैसा किसानों से लिया जाए। बाकी उप जिलाधिकारी जी से हम लोगों ने कल किसानों की एक समस्या आई थी कि खतौनी या किसान भाई किसान को अवश्य दिखानी पड़ती है, तो SDM से हम लोगों ने कल कहा था कि खतौनी की तत्काल व्यवस्था रहे, कोई ना कोई एक व्यक्ति तहसील में उपलब्ध रहे, जिससे किसान को खतौनी लेने में परेशानी ना हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग स्वयं जाके देख रहे हैं और उप जिलाधिकारी जी ने एक व्यक्ति को नियुक्त भी कर दिया, कभी भी कोई किसान पहुंचता है तुरंत उसे खतौनी उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी सभी केंद्रों पर आप लोग साथ हैं, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है, किसान गेहूं ला रहे हैं, उनका खरीदा जा रहा है। हम लोगों ने जिलाधिकारी जी को कहा है कि इसकी जाँच कराएँ और हम लोग भी किसान केंद्रों पर समय समय पर देखते रहेंगे और अधिकारी भी इसको देखेंगे, जिससे इस शिकायतों की कहीं कोई पुनरावृत्ति ना हो। अभी कोई खामियां तो कोई समझ में आने नहीं है, क्रय केंद्र यहाँ गेहूँ खरीद रहा है, तो विशेष तौर से किसान को जो सुविधा मिलना चाहिए उसकी चिंता क्रय केंद्र अधिकारी मिलकर सब लोग कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने जानकारी की है तो 325 क्विंटल गेहूँ इस अपना जो क्रय केंद्र है यहाँ DM साहब से बात करते हैं कि जहाँ जिस दिन बंदी है उस दिन बंद रहना चाहिए, ये नहीं कि पता चले कि कोई छुट्टियाँ पड़ रही तो छुट्टियों में अगर बंद हो जाएगा तो किसान को पता तो रहेगा नहीं, वो अपना अनाज लेके आएगा, परेशान होगा सारी चीज़। तो उसे किसान की सहूलियत के लिए और उसकी आमदनी के लिए सारी चीज़ की जा रही, ना कि इसके लिए कि वो परेशान हो।